ब्रिज छत्तीसगढ़ का फेमस ओवर ब्रिज, मतलब इसके ऊपर में और ब्रिज है, देख सकते हो गाइस। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन पर, अभी निकलते हैं गाइस। फिलहाल हम लोग अभी टिकट का बात हो चुका है, मॉर्निंग में 3:50 में ट्रेन, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अपना टिकट पूरा डल चुका है और मसाला भी धुल चुका है अच्छे से। हाय आपका है कि चिकन का है? सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो देख सकते हो गाइस अभी खाना वाना खाने के लिए बैठ चुके हैं, और इनका इंस्टा में 17,000 फॉलोवर है। कुछ बोलना चाहती हो? नहीं बोला, बस मोर फॉलोअर आगे बढ़ाते चले। अरे ठीक है ठीक है। और अनु कुछ बोलना चाहती हो? दो शब्द प्लीज। गाइस अभी मैं आप लोगों को सबसे मिलाने वाला हूँ, तो सबसे पहले आप रानू से मिलिए, ये मेरी छोटी मतलब सिस्टर है। और कुछ बोलना चाहती हो? और ये है क्या बोलते हैं इसको, हरी, ये छोटू, और ये क्या नाम है, क्या नाम है आपका? आयुष, एक बार और अच्छे से बोलो। आप अच्छा हमको सिखा रही है। आपका पापा का क्या नाम है? और आपकी मम्मी का क्या नाम है? आपकी मम्मी का गोमती। चलो ठीक है। और आपका क्या बोलते हैं, आपकी सिस्टर का मतलब बहन का क्या नाम है? खिलेश्वरी। ठीक ठीक मजा आया। ठीक ठीक चलो ठीक है फिर। चल चल इंट्रोडक्शन करवा। ये सबसे छोटी वाली मौसी। हाँ तो बोलो क्या क्या सब्जी, सब्जी तो दिखा, सेमी और क्या बोलते हैं गोभी। हाँ बस। अरे छोटी सिस्टर ए, बोल हाय। बस हाय। देख सकते हो गाइस यहाँ पर ये वाला कौन से आटा बनते, ये चावल का है, और ये गेहूं आटा का है, और ये भजिया है, और आलू चाप भी है। अब कहाँ है पता नहीं। फिलहाल अभी मैं आप लोगों को सबसे मिलाता हूँ, चलो चलते हैं अभी नानक पास चलते हैं। चलो हाँ, और ये लोग सब मामा है, ये नवागढ़ में रहते हैं, और ये आप लोग इसे तो जानते होंगे, कॉमेडियन ब्लॉग में दिखता रहता है। और ये मामा क्या क्या है खाने में? बस भजिया पूरी। हाँ तो बोलो और कुछ? सब्जी कुछ नहीं, मतलब खाने में व्यस्त। चलो ठीक है। ये मम्मी कुछ बोल बे मम्मी। ए पापा मैं खाना दे रही हूँ अभी। हाँ अरे मामा है एक, और मामा कुछ बोलना चाहते हो? मामा नहीं है, कुछ बोल दे। मौसा अभी टीवी में व्यस्त है, और ये क्या बोलते हैं किशन, मुनिया कुछ बोलना चाहती हो? तो भी नहीं लेवा। ये नाना ले, नाना कुछ बोल। स्पोर्ट चैनल सब्सक्राइब कर दो, चैनल लकी दे। हाँ चल ठीक है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, सब्सक्राइब कर दो। ले पापा तो बोल दे सब्सक्राइब कर दे चैनल लकी। दीपावली का समय आया, सुहारी रोटी खा रहे हैं। नहीं 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 सारों के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। हाँ दे पूजा कुछ बोल दे। नहीं नहीं बोल रही है, नहीं नहीं बोल रही है। अरे क्या है, दाल लेके जा रहा है गाइस, देख सकते हो। अब निकलते हैं। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तो होटल में जा रहा, इधर नहीं आने का। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अरे सब्जी लाओ पहले। हाँ ये ला रही है, ला रही है सब्जी, ला रही है, टेंशन ना लो। गाइस अब रायगढ़ निकलेंगे फिलहाल। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं क्या बोलते हैं बिलासपुर के आसपास आ चुके हैं, सरगांव आ चुके हैं हम लोग, अभी जा रहे हैं रायगढ़। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, आगे क्या क्या होता है, इनका क्या होता है आपको दिखाते हैं। तो चलो फिर रास्ते में मिलते हैं, और क्या क्या इंटरेस्टिंग पार्ट देखने को मिलता है, तो ब्लॉग में कंटिन्यू जरूर बने रहना। अभी ये देख सकते हो अभी हार्डवेयर में कुछ सामान वगैरह ले रहे हैं,
कंस्ट्रक्शन साइट का सामान वगैरह ले रहे हैं, यहीं पर अभी गाड़ी पार्किंग है। छत्तीसगढ़ का फेमस क्या बोलते हैं इसको, ब्रिज, ओवर ब्रिज, छत्तीसगढ़ का फेमस ओवर ब्रिज, मतलब इसके ऊपर में और ब्रिज है, देख सकते हो गाइस। तो अभी दूसरा टोल प्लाजा आ चुके हैं गाइस, देख सकते हो आप लोग। अब यहाँ पर कितना कटता है देखते हैं फास्ट टैग में। दूसरा टोल प्लाजा और कितना सारा आएगा कुछ पता नहीं है, चार पांच टोल प्लाजा आएगा ऐसा बोल रहा है। अब देखते हैं कितना आएगा। तो गाइस अभी बिलासपुर पहुंचने वाला है, देख सकते हो आप लोग, इधर पूरा फैक्ट्री वगैरह है और अभी चेंज हो चुका है, ये दूसरा मामा भी ड्राइव कर रहे हैं और आप देख सकते हो कितना में चल रहा है गाड़ी, ठीक। और ये लोग अभी पेट पूजा कर रहे हैं। नहीं, मेरे को डर लग रहा है। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। सीट बेल्ट लगा लो भाई, सीट बेल्ट लगा के बैठा हूँ। वैसे तो मैं भी सीट बेल्ट लगाया हूँ, तो मिलते हैं आगे फिर। भाई अभी और एक टोल प्लाजा आने वाला है और देख सकते हो ये वाला भी और टोल प्लाजा आने वाला है। अब कितना इसमें कितना कटेगा पैसा हो तो पता नहीं। 95 इसमें भी 95 कटेगा गाइस। 95 का मतलब पता है ना। यस अबे तो बन तू ही मजा तेरे पर नहीं करना तेरी स्ट्रेट 95 ओ एक वीआईपी वाला घुस के अभी जा रहे हैं रायगढ़ वीआईपी वाला मत चल वापस कर इसका। हां वो गाड़ी के संग में रेंग देना बोला ऐसे का अगर सरकारी वाला गाड़ी जात रही से ओकरे पास में 10 आते तो निकल ऐसे का आते हैं। ये है चौथा टोल प्लाजा। चौथा टोल प्लाजा है गाइस। तो गाइस अभी हम लोग बीएसपी प्लांट वाला ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं और पीछे में देख सकते हो भूखल लोग बैठे हैं। रायगढ़ में आपको जिंदल प्लांट कभी दिखाने का कोशिश करेंगे और वहाँ से जस्ट 10 से 12 किलोमीटर पड़ेगा, हो सकता है तो उधर भी जा सकते हैं। अब ब्रिज देखो आप लोग, नजारा देखो यहाँ का, कतई जहर वाला। और आगे एक और ब्रिज है देखना हो, तगड़ा वाला ब्रिज। यहाँ मतलब दो ब्रिज है बोले तो, दो ब्रिज। आप बोलिए सर। तो आगे देख सकते हो व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। आगे का व्यू देखिए गाइस, आगे पापा लोटे की देखो। अरे इधर देखो गाइस ये कितना, अरे आ गए, बहुत धुआं दे रहा है, वायु प्रदूषण कर रहा है गाइस। पुलिस वाला है, ड्राइविंग पुलिस वाला। अब पुलिस वाला इसके चलते हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। और देखो ब्रिज कितना बड़ा है, लंबा बहुत ज्यादा है, व्यू देख सकते हो आप लोग, खतरनाक वाला व्यू है यहाँ पर। उधर प्लांट वगैरह भी है जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत ही बड़ा ब्रिज है गाइस। और इधर कुछ फैक्ट्री वगैरह है लगता है, ये देखो। तो मिलते हैं आगे आप लोगों से, आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए गाइस। यहाँ पर हमें एक तगड़ा वाला लोकेशन देखने को मिला है, अभी चल रहे हैं। ये चांपा है, जांजगीर चांपा हम लोग एंटर कर चुके हैं, देख सकते हो आप लोग। ये देखो उधर फैक्ट्री वगैरह भी है। और अभी शाम कितना बज चुका है, अभी 5 बज चुका है गाइस। अभी हम लोग जांजगीर चांपा आ चुके हैं और पता नहीं कितना टाइम पहुंचेंगे, अभी तो आधा नहीं आए हैं बोल रहे हैं। निकल गए, अच्छा ठीक है, देखते हैं कितना टाइम तक पहुंच जाते हैं रायगढ़, फिर वहाँ पर कुछ खाएंगे अच्छा सा। आज तो चिकन वगैरह बनाएंगे। व्यू देखो आप लोग, कतई जहर वाला व्यू है यहाँ पर। रायगढ़ सिटी अच्छा, वो मेरे वाला हम साला नहीं लेंगे क्या।
तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन पर। बोलना चाहते हैं कुछ सर? फाइनली पहुंच चुके हैं रायगढ़। और क्या, हम लोग फाइनली रायगढ़ पहुंच चुके हैं और मैं ऐसे ही आ गया हूं, आपको दिखाता हूं अपना नीचे का एरिया। भीख मंगा वाले लुक में आ गए हैं रायगढ़ के स्टेशन को आपको दिखाते हैं। ये भीख मंगिया है, अरे भीख मंगिया। और इसी चक्कर में लेते हुए जाएंगे, गाड़ी को लॉक कर देते हैं गाइस। अभी लॉक हुआ कि नहीं उसको चेक करना पड़ेगा। ले लो अपना ब्लॉक। क्या रे भीख मंगिया, अभी भीख मंगिया कहीं जा रहा है, देख सकते हो। अब हम लोग चलते हैं रेलवे स्टेशन। अभी रेलवे स्टेशन पे हैं, देख सकते हो यहाँ पर अभी कितना बजे है, 19:08 हो रहा है। स्टेशन चलते हैं अभी, एक जने का बुक करवाना है, राहुल किला का टिकट बुक करवाना है, तो चलो चलते हैं स्टेशन में। सुगर रायगढ़ का देख सकते हो गाइस यहाँ पर है, और ये अपना रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन आ चुके हैं गाइस, देख सकते हो यहाँ पर अभी टिकट वगैरह पूछते हैं। ये रेलवे स्टेशन आ चुके हैं गाइस, रेलवे स्टेशन का व्यू देख सकते हो, कितना भीड़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर, देख सकते हो आप लोग। अभी निकलते हैं गाइस फिलहाल हम लोग। अभी टिकट का बात तो हो चुका है, मॉर्निंग में 3:50 में है ट्रेन, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, और यहाँ नज़ारा कुछ तगड़ा वाला है सीन। यहाँ सुग्घर रायगढ़ लिखा हुआ है, ये देख सकते हो आप लोग, सुग्घर रायगढ़, हमारा छत्तीसगढ़ का पहचान है सुग्घर, मतलब अच्छा रायगढ़। तो चलते हैं, वैसे तो बिल्डिंग अच्छा अच्छा है। अभी चलते हैं कुछ दुकान वगैरह चलते हैं। तो गाइस अभी फाइनली पहुंच चुके हैं रायगढ़ के सिटी में, मतलब कुछ अभी शॉपिंग कर रहे हैं ये लोग, कोई जूता कोई और कपड़ा वगैरह कुछ ले रहे हैं। और अभी मैं अभी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, अभी आया दुकान से, बोर लग रहा था तो मैं आ गया गाड़ी में, और ये मामा भी आ गया कुछ शॉपिंग करके, क्या क्या लिया है वही जाने। तो अभी हम लोग कार में ही बैठे हैं, देख रहे हैं यहाँ का व्यू, अच्छा ही लग रहा है। कल देखेंगे कंस्ट्रक्शन साइड में जाएंगे तो क्या क्या होता है। वैसे तो बता रहे हैं कि व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का, ऐसे करके तो देखते हैं फिर। और आज खाने में क्या मिलता है देखते हैं। चिकन तो वैसे बनेगा, क्या बनेगा मामा? चिकन लेग पीस। ठीक खाएंगे भाई, भूख तो ताबड़तोड़ लग रहा है। गाइस फिलहाल अभी कॉलोनी में पहुंच चुके हैं, जहां पर हम लोगों का रूम है वहां पर पहुंच चुके हैं। तो चलते हैं रूम में, दिखाते हैं आप लोगों को कैसा रूम है, क्या है, सब चीज़ आपको दिखाते हैं। ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गाइस हम लोग फाइनली घर पहुंच चुके हैं रूम में, और ये देख सकते हो ये छछुंदर लोग नहीं बोलेंगे, रूम बहुत ही अच्छा है देख सकते हो। एक रूम है यहाँ पर सोएंगे, और यहाँ पर एक और रूम है, और एक किचन, लेटरिन बाथरूम, देख रहे हैं पूरा कोड़ा बने हैं, यही है अपना रूम। यहाँ पर आप चिल करेंगे, अभी बनाएंगे चिकन फिर खाएंगे गाइस। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और ये मोहित क्या कर रहा है आप देख सकते हो, ये लैपटॉप देख सकते हो, लैपटॉप है यहाँ पर, ये लोग काम करेंगे नाइट में। तो गाइस आ गए हैं रूम पे, अभी खाना बनाने की तैयारी चल रही है, पूरा चिकन विकन धुलाई हो रहा है, और पानी वानी मतलब अच्छा से धुलाई हो रहा है, उसके बाद फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। और तुम प्याज काटोगे? हाँ मैं प्याज वगैरह का पेस्ट वगैरह बना लेता हूँ। चिकन वगैरह खाएंगे, मजा ही आ जाएगा। फिलहाल ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो गाइस अभी मैं नहा धो के मस्त फ्रेश होके आ चुका हूँ, और देखते हैं चिकन विकन बन रहा है। ये लोग अभी बना रहे हैं देख सकते हो, अभी क्या है भाई, अभी प्याज व्याज ये चिकन अपना डर रहा है। चल
वो लेग पीस मेरा है भाई। ठीक है सर, आप ही करो, आप आगे बोलो, जाके कार में चलो, सामान उसको लेके आ जाओ, थोड़ा दूंगा साथ में पकड़ने। ठीक है, अभी कार में जाते हैं गाइस, तो कुछ सामान वगैरह है उसको और लाते हैं पूरा। अभी कबाड़ी की तरह देखो बैग फैला हुआ है और पानी का व्यवस्था करते हैं। चलो फिर अभी कार में चलते हैं ये मामा और मैं। तो गाइस अपना चिकन पूरा डल चुका है और मसाला भी भून चुका है अच्छे से, और थोड़ा और अच्छे भूनेंगे उसके बाद और डालेंगे जो जो लेग पीस हाफ पीस हो चुका है ये लेग पीस। तो अभी मामा अभी कुकिंग कर रहे हैं और ये इधर बैठ कुछ नाश्ता वगैरह कर रहा है। ये देख सकते हो इसमें मम्मी ये दी थी, क्या बोलते हैं इसको, पूड़ी है और भजिया वगैरह है जो जो है नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। तो गाइस अभी चलते हैं, चिकन कितना बना है क्या बना है देखते हैं। ये अभी लेटा हुआ है यहीं पर मोबाइल चला रहा है और ये अपना मोहित साहब कुकिंग कर तभी तो ना यूं करो अपना पूरा रेडी हो चुका है गाइस बहुत बेहतरीन तरीके से। मेरे लेग पीस का लेकिन पूरा टुकड़ा हो गया है, थोड़ा सा और पकने देते हैं उसके बाद फिर खाना है। अरे अभी तो चावल बनना बाकी है गाइस। और तुम लोग का नंबर है खाने का, हम लोग चिकन बनाते हैं। भाई मेरा नंबर नहीं है, उसका नंबर है, उसका इसका नंबर है चावल बनाने का। इसको सूखा रखेंगे बिल्कुल अच्छे से सूखा, पूरा भुजिया निकालेंगे। तो गाइस खाना वाना सब रेडी हो चुका है, सलाद वलाद काट रहे हैं देख सकते हो सब, यही प्याज और नींबू वगैरह का सलाद हो रहा है, ये चावल, यहाँ पर चिकन और यहाँ पर तल बीत चुका है, अब खाएंगे फुल मजे के साथ। तो गाइस अपन लोगों का पूरा खाना लग चुका है, ये मेरा लेग मेरा नहीं है मतलब चिकन का लेग पीस है, ये लेग पीस मेरा लेग पीस है। हाँ, आपका है कि चिकन का है? ये लहसुन ये हम लोग देख सकते हो गाइस सब लोग खाना ही स्टार्ट कर दिए। कांदा ओहो ऐसे कर ओहो मामा आप भी एक बार टेस्ट करके बताओ कैसा बना है, मैं तो नहीं बनाया हूँ तो फिर ठीक है गाइस खाते हैं और सब लोग अभी चट्टे वट्टे में हैं, खाने वाने के बाद एक मैच और लूडो खेलेंगे। ठीक है विनर भी तो बता भाचा। हाँ ये विनर हुआ है, अभी ये विनर हुआ है गाइस। नमक डुकलात। तो ये अपना खाना आ चुका है चिकन और फिर खा के मिलते हैं लूडो खेलते हुए। सभी लोग बैठे हुए हैं ये देख सकते हो, अभी अब कुछ हंसी मजाक चल रहा है बातचीत ऐसी। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।